बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर नागपुर महानगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। पश्चात राष्ट्रीय नागपुर कारपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के माध्यम से मणपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय नागपुर कारपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगने, महासचिव रंजन नालूड और सभी कंप्यूटर ऑपरेटर आदि उपस्थित थे। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार के नियमानुसार अधिकांश कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। निगम में कार्यरत 192 कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अबाधित रखते हुए उनको न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। अधिसंख्य पदों पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को लाड़ पागे कमेटी की सिफारिशें लागू करें। एवजदार सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 20 साल की शर्तों में ढील दी जाए। इसके अलावा शासन के नियमानुसार 10, 20 व 30 वर्ष बाद कालबद्ध पदोन्नति लागू की जाए। इन मांगों की पूर्ति नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रभाग 22 में डेंगू व मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। इस कारण परिसर में फॉगिंग मशीन व मच्छर विनाशक दवा का छिड़काव करने की मांग समाजसेवी विनोद इंगोले ने की है। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि परिसर के जूनी मंगलवारी, ढीवरपुरा, बुजाड़े मोहल्ला, गंगाबाई घाट रोड, मांगपुरा, कुष्ठरोग कॉलोनी, स्वीपर कॉलोनी, मट्टीपुरा, बाबा नानक शाला, बुद्धपुरा, मानीपुरा, गोटपुरा, खेरनी मंदिर, डवकीपुरा, नवाबपुरा, तेलीपुरा, कुंडबीपुरा, आयचित मंदिर, नटराज टॉकीज, भोसला वेदशाला, नगाजी महाराज मठ, निकालस मंदिर, लकड़ा पुल परिसर, इतवारी हाई स्कूल, ज्ञानेश्वर मंदिर परिसर में छिड़काव करना आवश्यक है। नागपुर महानगर पालिका इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही मनपा की ओर से 75 हेल्थ पोस्ट निर्माण करने जैसे कई लोक कल्याणकारी उपक्रम भी शुरू किए गए हैं। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में मेयर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निगम द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न पहल पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया है कि गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए सर्वदलीय विशेष समिति का गठन किया जाए। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि यह समिति 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक योजना एवं कार्रवाई पर ध्यान देंगी। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर बैठक में पदाधिकारियों ने निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए। इन सुझावों को संज्ञान में लेते हुए मेयर ने इस संबंध में आगे काम करने के निर्देश दिए। बैठक में उप महापौर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, बसपा नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार, शिक्षा समिति के अध्यक्ष दीवे, स्थापत्य समिति के अध्यक्ष सोन कुसरे, खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद तबाने, जल कार्यालय समिति के अध्यक्ष गवई, महिला एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष धुरड़े, वरिष्ठ पार्षद सुनील अग्रवाल, संदीप जाधव व सहायक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र उपस्थित थे। 21वीं राष्ट्रीय सिकई मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम जयपुर में किया गया। इसमें शहर के डॉक्टर आनंद बाबूलाल यादव ने 27 वर्ष आयु की श्रेणी में खवर्ण के सिकई खाता नामक स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
इस उपलक्ष्य में डॉक्टर आनंद बाबूलाल यादव का डॉक्टर विलास उजवने के हाथों सत्कार किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष धुनेश्वर पेठे ने जिलाधिकारी आर विमला को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शहर में रेस्टोरेंट व भोजनालयों में बैठने व उन्हें खुले रखने का समय रात 9 बजे तक किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि भोजनालय को व्यवसाय का समय ही रात का समय ही उपयुक्त होता है, लेकिन उन्हें मात्र 4 बजे तक ही व्यवसाय शुरू रखने की अनुमति दिए जाने से पिछले 2 वर्षों से तंगी की मार झेल रहा यह उद्योग और भी परेशानी में आ गया है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में शहर की जोहरा निखत अब्दुल बासित ने 97.83% अंक अर्जित कर शहर का नाम रोशन किया है। उत्तर नागपुर के बिजली ग्राहकों को सुनिश्चित और उचित दबाव से बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए महावितरण द्वारा पहल की जा रही है। राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की पहल पर जिला योजना समिति ने 8.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस फंड से समता नगर, उन्नति नगर, ओम नगर, पवनपुत्र सोसाइटी में 55 नए बिजली के पोल लगाए जाएंगे। इस कार्य का भूमि पूजन हाल ही में डॉक्टर राउत ने किया। इस कार्य पर कुल 15,68,000 रुपए खर्च होंगे और क्षेत्र के 150 बिजली उपभोक्ताओं को उचित दबाव में बिजली की आपूर्ति होगी। डॉक्टर राउत ने उपस्थित नागरिकों को बताया कि महावितरण ने क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यों की योजना बनाई है। यह कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार टायर चौक के क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए MSEDCL द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक लंबी एरियल बंच बिजली लाइनें बिछाई गई है और इसका उद्घाटन भी किया गया है। एरियल बेंच लाइन क्षेत्र के लगभग 330 बिजली उपभोक्ताओं को महावितरण गारंटीड बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी। इस पर कुल 17 लाख रुपए खर्च किए गए। जिला योजना समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि में नवीन ट्रांसफार्मर की स्थापना, क्षमता निर्माण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में उच्च दाब एवं निम्न दाब विकृत लाइनों का स्थानांतरण, ओवरहेड लाइनों का जलमग्न होना शामिल है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे एवं विधायक अभिजीत वंजारी के मार्गदर्शन में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनीष उमरेटकर एवं सचिव मनोज नौकरकर के नेतृत्व में नागपुर शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रभाग 21 लालगंज बस्ती में लालगंज मेहंदीबाग रोड पुलिस चौकी तथा लालगंज झाड़े चौक पुलिस चौकी पिछले 5 से 6 वर्ष से बंद है, अतः यह चौकियाँ जल्द से जल्द शुरू की जाए। प्रतिनिधि मंडल में ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ठाकरे, सतीश जवने, राजेश खानोरकर, गोपाल कुमार शामिल थे। मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिए जाने की मांग को लेकर 4 अगस्त 1978 में आंदोलन हुआ था। इसमें जो भीम सैनिक शहीद हुए उन सभी के स्मृति दिन कामटी रोड पर इंदौरा चौक के समीप नामांतरण शहीद स्मारक बनाया गया है। बुधवार को उपमहापौर मनीषा धावड़े, सभापति महेंद्र धनविजय, जल प्रदाय समिति सभापति संदीप गवई, नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, नागेश सहारे, विजय चुटले, पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिंद माने ने 10 नंबर पुलिया कामटी रोड स्थित शहीद भीम सैनिक नामांतरण स्मारक पर पुष्प चक्र व पुष्प अर्पण कर विनम्र अभिवादन कर श्रद्धांजलि अर्पण की। इस अवसर पर अशोक मेड़े, राजेश हाथीभेड़, पांडुरंग जगताप, अशोक कोलहटकर सहित बड़ी संख्या में भीम सैनिक व विविध संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने रविनगर चौक स्थित दंदे अस्पताल और कामटी रोड स्थित विनस क्रिटिकल केयर अस्पताल को सोनोग्राफी और सिटी स्कैन मशीन का उपयोग तत्काल बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है। मनपा के सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दंदे अस्पताल और विनस क्रिटिकल केयर अस्पताल को जारी नोटिस के मुताबिक दोनों अस्पतालों के सोनोग्राफी केंद्रों की वैधता 12 जुलाई को समाप्त हो गई है। इस संबंध में 20 जुलाई को धारा 20(1) के तहत अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। स्वास्थ्य विभाग को जुलाई में स्पष्टीकरण मिला था। मनपा सलाहकार समिति ने कहा कि स्पष्टीकरण असंतोषजनक था, इस कारण फैसला सुनाया कि अब इन अस्पतालों को सोनोग्राफी इको सेंटर अवैध है क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। अतः उपखंड 1 में सोनोग्राफी मशीनों का प्रयोग बंद करना चाहिए तथा नए पंजीकरण के लिए PCPNDT कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, डॉक्टर वर्षा धवले, डॉक्टर विनय तुले,
वीना खानोरकर, अधिकारी वेंकटेश कपाले, डॉक्टर कीर्तिदा अजमेरा, डॉक्टर प्रशांत ओमकार, डॉक्टर वसंती देशपांडे भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा दक्षिण नागपुर की ओर से ओबीसी वार्ड अध्यक्षों की घोषणा एवं नियुक्त पत्र वितरण किया गया। भाजपा कार्यालय मंगल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, विधायक मोहन मते, शहर महासचिव रामभाव अंबुलकर, भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष रमेश चोपड़े, दक्षिण नागपुर भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र दस्तूरे, सुनील आदि सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ओबीसी वार्ड अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी नागपुर एम्स अस्पताल में रोटरी क्लब ऑफ नागपुर साउथ और ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ नागपुर साउथ ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 500 पौधे दान किए। वृक्षारोपण में रोटरी क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर पौधारोपण किया। कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन की वजह से रोजगार ठप हो जाने के कारण आर्थिक समस्याएं निर्माण हो रही है, जिससे कई परिवार अपने बच्चों के स्कूल का खर्चा वहन करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति में उन्हें कुछ राहत महसूस हो, इस उद्देश्य से माजरी बस्ती के बुद्ध विहार में गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को पीपल टू पीपल सोसाइटी ने 536 रजिस्टर का वितरण किया। यह वितरण संस्था की चेयरमैन अनुश्री खोबरागड़े तथा संचालक धम्मचारी तेज धम्म तथा विहार समिति के पवन धोटे द्वारा किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन अनुश्री खोबरागड़े और धम्मचारी तेज धम्म ने छात्रों को मार्गदर्शन कर संस्था के कार्यों की जानकारी दी। मार्गदर्शन के दौरान सभी छात्रों ने अध्ययन के लिए आवश्यक मन की एकाग्रता का अभ्यास भी किया। नव प्रतिभा हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज नागपुर में हाल ही में जीवन विकास एजुकेशन सोसाइटी सिरसपेट के सचिव व शिक्षकों के संगठन शिक्षक भारती के राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक राजेंद्र झाड़े का विविध क्षेत्रों में किए गए सफल कार्यों के लिए संस्था के पदाधिकारी, शिक्षक मुख्याध्यापक, प्राचार्य व कर्मचारियों की ओर से स्थापित गौरव समिति की ओर से शॉल श्रीफल सम्मान चिन्ह व गौरव पत्र देकर सत्कार किया गया। यह सत्कार प्रमुख अतिथि विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, विधायक मोहन मते के हाथों किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्धा के सांसद रामदास तड़स ने की। मंच पर संस्था के संस्थापक कार्याध्यक्ष बाबूराव झाड़े, अध्यक्ष भगवान रड़के, उपाध्यक्ष वसंत झाड़े, बलवंत मोरघड़े, प्रवीण झाड़े, प्राचार्य माधुरी झाड़े तथा भंडारा अर्बन बैंक के पूर्व अध्यक्ष जयंत वैरागड़े उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखने के लिए हुए राज्यव्यापी आंदोलन में शहीद आम्बेडकरवादी नायकों का बहुजन समाज पार्टी ने नागपुर में नामांतरण शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र राज्य सचिव उत्तम शेवड़े, महेश सहारे और नगर सेवक मंगला लांजेवार ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि वे नागपुर महानगर पालिका में बसपा का मेयर बनाकर रहेंगे। कार्यक्रम में गौतम गेडाम, अभिलेश वाहने, मुकेश मेश्राम, पूर्व पार्षद संजय जायसवाल, प्रवीण पाटिल, सदानंद जामगड़े, नितिन वंजारी, नरेश वासनिक, बुद्धम राउत, सुबोध सखारे, परेश जामगड़े, प्रणीत मेश्राम आदि उपस्थित थे। नागपुर मनपा के एनडीएस दल ने बुधवार को 5 दुकानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की और 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। टीम ने 53 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोनल खोज टीमों द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। एक तरफ भारत की बेटियां टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही है, तो दूसरी ओर नागपुर मनपा के जूनियर कॉलेज की छात्राओं ने भी परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल कर मनपा का नाम रोशन किया है। स्टेट बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में मनपा के जूनियर कॉलेजों का परिणाम 100% रहा है। यह व्यक्त करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने परीक्षा में सफल मनपा स्कूलों के छात्रों की प्रशंसा की। 12वीं कक्षा के परिणाम में मनपा स्कूलों की कला, वाणिज्य और विज्ञान शाखाओं में लड़कियों ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर लड़कों से ऊंची उड़ान भरी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जूनियर कॉलेज में विज्ञान छात्र दर्शनी प्रभाकर सुपाटकर ने 86% अंक प्राप्त कर तीनों शाखाओं से प्रथम आने का गौरव प्राप्त किया है। परीक्षा में निगम के तीनों जूनियर कॉलेजों के 102 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 49 छात्र मेरिट में तथा 53 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं।
निगम का रिजल्ट 100% रहा है। इस मौके पर मनपा मुख्यालय में छात्रों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, शिक्षा समिति अध्यक्ष प्राध्यापक दिलीप दिवे, पार्षद परिणीता फूके, पार्षद हरीश ग्वालबंशी, शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, सहायक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सूखे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के बूथ सशक्तिकरण, विस्तारीकरण व वेरिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत कामठी विधानसभा क्षेत्र के मंडल में शक्ति केंद्र प्रमुख, विस्तारक व बूथ प्रमुख की बैठक बेसा, रनाला व कामठी में आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के महामंत्री व पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, कामठी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भाजपा नेता जयप्रकाश गुप्ता, विधायक टेकचंद सावरकर, नागपुर ग्रामीण भाजपा के अध्यक्ष अरविंद गजबिये, संगठन मंत्री किशोर रेवतकर सहित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका सदस्य, नगर परिषद सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर दक्षता समिति की महिलाओं ने सक्करदरा स्थित दत्तात्रेय नगर पानी की टंकी के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सक्करदरा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने एवं पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत यादव के हस्ते एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुभाष कोटेचा के प्रमुख उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में समिति के प्रमुख माधुरी घोसेकर, एडवोकेट माधुरी हरडे, रजनी भोसले, वंदना रोटकर, कल्पना चौहान, रेखा वानी, शिवसेना के सिद्धू कोमेजवार, कृष्णा भोसले, चेतन भोसले और क्राइम ब्रांच के कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इसके पूर्व भी दक्षता समिति की महिलाओं ने व वंदना वनकर ने नेहरू नगर जोन के बगीचे में वृक्षारोपण किया। हिंगना के श्री संत गमाजी महाराज शिक्षण संस्था द्वारा संचालित नेहरू विद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय और देवकीबाई बंग हाईस्कूल और जूनियर कॉलेज के संचालक महेश बंग तथा संचालिका अरुणा बंग ने HSC परीक्षा में मेरिट सूची में स्थान पाने वाले सभी छात्रों का फूल और मिठाई देकर सत्कार किया। देवकीबाई बंग जूनियर कॉलेज की वाणिज्य एवं विज्ञान शाखा का परिणाम 100% रहा, जिसमें दिव्यांशी बाराई ने 92% से अधिक अंकों के साथ स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर ऋत्विका आजनकर तथा तीसरे स्थान पर रुचिका राउत रही। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur.